देखिए जा रहे हैं राखी बांधने, सभी लोग जा रहे हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो दोस्तों सत्य ब्लॉग एंड फन में आपका स्वागत है। आज हम सशस्त्र सीमा बल के जवानों को राखी बांधने के लिए मरोदा के हेडक्वार्टर में आज हम अपने दोस्तों के साथ गए थे। हमारे वीर सपूत के साथ साथ है बहन भी, हमारी बेटी, हमारे देश की देश रक्षा में कार्यरत। तो हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर की ओर जवानों को राखी बांधने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ सभी को स्कॉर्ट किया जा रहा था अंदर की तरफ, आप जैसे देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ब्रह्म कुमारी बहनें भी आई हुई हैं और भी कई एनएसएस की छात्राएं भी आई हुई हैं और हम लोग अपने दोस्तों के साथ भी आए हैं जवानों को राखी बांधने। और आगे क्या क्या करते हैं आपको भी मैं दिखाऊंगी। हमारी सभी दोस्त लोग आ गए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है सभी का, सभी फोटो के लिए असेंबल्ड है। ये बहुत ही बड़ा पल था और हमें आज इस सुअवसर मिला कि हम अपने वीर सपूतों को राखी बांधे। बहुत ही आकर्षक पल था ये। यहाँ के कमांडेंट आ चुके हैं। भिलाई से आई बहने, भिलाई महिला समाज सेक्टर 5 से आई बहने, ओजस्व महिला समिति की बहने, एक प्रयास महिला समिति की बहने, भिलाई एनएसएस की छात्राएं, मेरे पत्रकार बंधु, कमांडेंट सर, कमांडेंट मेडिकल सर, ट्वाइस सर, ऑफिसर्स और मेरे साथियों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर क्षेत्रीय मुख्यालय भिलाई डीआईजी के ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां पर मीडिया वाले भी बहुत सारे थे। भाई तो रक्षा करते ही है लेकिन हमको ना रक्षा तो सभी को जरूरत है ना, चाहे वो भाई हो बहन। और आज यहाँ जो तमाम हमारे जो वीर भाई बैठे हुए हैं उनके लिए यही कहूंगी, भाई और बहनी के तिहारे रे मोर रक्षा बंधन। छत्तीसगढ़ में हमारे राखी तिहार के चले। तो दोस्तों राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे जवानों को सभी बहनें राखी बांध रही हैं। सभी लोग राखी बांध रहे हैं। हमें तो अच्छा लगा ही और सैनिक भाइयों को भी, फौजी भाइयों को भी बहुत ही अच्छा लगा। कई भाई भावुक भी हो गए। देख सकते हैं मैं भी राखी बांधती हूँ। देख सकते हैं आप। और एक भाई छोटा भाई मेरा पैर छूने लगा लेकिन मैंने रोक दिया। और मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा पल था ये। आज मैं कई सालों बाद कलाई में राखी बांध रही हूँ। आज एक भाई नहीं कई भाई थे जो सीमा पे अपनी जान गंवा देते हैं और अपने परिवार से दूर, आज उनको राखी बांधने का मौका मिला मुझे।
मैं अपने आप में गर्व महसूस कर रही हूँ। नहीं, आप लोग देश के सपूत हो। नहीं, मैं अपने जीवन में जब भी ये मौका अगर आया तो मैं हमेशा राखी बांधना चाहूँगी इन फौजी भाइयों को। आज एक भाई नहीं, कई भाई थे मेरे आज, जो कि ये बहुत ही अविस्मरणीय पल था। अच्छा चंद, रोली, टीका, राखी, मिठाई, बहुत ही बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखिए भाई कितना खुश है। दोस्तों मेरी राखी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन मिठाई सबको मैं खिला रही हूँ। सभी भाइयों को टीका लगा रही हूँ और मिठाई खिला रही हूँ। कुछ भाई मिठाई खा खा के बोर हो चुके थे तो मना भी कर रहे थे, फिर भी मैंने खिलाया। अपना राष्ट्रीय ध्वज भी हमें गिफ्ट किया गया। सेना की तरफ से कमांडेंट ने हमें झंडा दिया। अरे देखिए कमांडेंट को मैं मिठाई खिला रही हूँ, वो भी मुझे मिठाई खिला रहे हैं। अरे देखिए हमारे देश प्रेम का प्रतीक झंडा। आने के बाद सभी लोग यहाँ पर हैं, फोटो सेशन भी हुआ और हमने उसका बहुत मज़ा लिया। फोटो सेशन देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंटरव्यू भी चल रहा है। सभी लोग खड़े हैं फोटो सेशन के लिए। दीदी सभी को तिरंगा मिला है, देख सकते हैं। आप मीडिया वाले भी आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबका फोटो सेशन के लिए सब रेडी हैं। और यहाँ पे हमें उपहार भी दिया गया, मिठाई और एक लिफाफा है उसमें पैसा भी। और यहाँ सेल्फी जोन बनाया गया था, वहाँ पे हम सेल्फी ले रहे हैं
आप देख सकते हैं मेरे बाजू में खड़ी हैं, राइट हैंड साइड में वो रजनी रजक जी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इन्हें ये लोक गायिका हैं और इनके साथ मैं फोटो खिंचवा रही हूँ और बात भी कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और मैं घर जा रही हूँ और एक अच्छा पल लेके जा रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।